एक निर्णय ये भी हुआ है, खनन प्रभावित जो लोग हैं उनका आवास, दैनिक उपयोग और जो आवश्यक सामग्री, महिलाओं बच्चों का वस्त्र इत्यादि का, इसको भी जो खनिज संस्थान न्यास निधि है DMF से, इसको भी जोड़ने का निर्णय लिया गया है। स्वास्थ्य का तो आपने जानकारी दी। एक हाउसिंग बोर्ड का जो निर्णय है मकानों का, हाउसिंग बोर्ड में जो स्वयुक्ति योजना के अंतर्गत जितने मकान आवंटित किए गए थे, और यदि वो पूरा बकाया जमा कर देते हैं, बहुत दिनों से पेंडिंग है, तो दांडिक ब्याज जो है उसमें उनको छूट दिया जाएगा। भाड़ा क्रय योजना का भी जो आवंटित है उनको भी बकाया राशि जमा करने पर दंड ब्याज में छूट दिया जाएगा। और अलग अलग स्कीम है जिसमें 10%, 15% और 20% तक छूट देने का भी प्रावधान अलग अलग मकानों का है, जिसका विवरण बाद में सामने आएगा, उसमें भी छूट देने का प्रावधान किया गया है। और एक जंगल सफारी के बारे में जो निर्णय हुआ है, जंगल सफारी में वर्तमान में वहाँ पे जाके जो बस के जरिए जो घूमा जाता है, तो जो वयस्क को अब तक नॉन एसी में 200 और एसी में 300 रुपये तक देना पड़ता था, उसको अब आधा करके और 18 साल से ऊपर के जो वयस्क हैं उनको 200 से घटाकर 100 और 300 से घटाकर 150 रुपये किया गया है, जो एसी बसों के लिए है। बच्चे जो 6 से 12 वर्ष तक के थे, नॉन एसी में 50 और एसी बस में 100 रुपये था, उसको कम करके अब 12 से 18 वर्ष तक की उम्र वालों को नॉन एसी में 25 और इसमें एसी में 25 और 50 हो गया है। इसी प्रकार से जो 6 वर्ष के कम बच्चे हैं उनको निशुल्क रहेगा। तो ये एक बड़ा फैसला आम जनों के लिए, जंगल सफारी है ताकि उनकी पहुंच पे आ जाए, लोग जा सकें, इस कारण से ये फैसला लिया गया। For more information, log on to www.clips.in.